8.4 फ्रांसीसी क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1789 से 92 के बीच हुई क्रांति है, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। इसे विश्व की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटना में गिना जाता है। 17वीं शताब्दी में फ्रांस में भी इंग्लैंड की तरह निरंकुश राजाशाह स्थापित थी। वहाँ भी इंग्लैंड की तरह राजाओं को नए कर लगाने के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल से अनुमति लेने की प्रथा थी। इसके लिए एक सभा, जिसे स्टेट जनरल कहा जाता था। उस समय फ्रांसीसी समाज 3 श्रेणी में विभाजित था। राजा से कोई कर नहीं लेते थे, टाइथ नामक धार्मिक कर की वसूली करते थे। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट अभिजात्य वर्ग जिसकी कुल आबादी 2.5% थी, तथा तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि थे, किसान और कारीगर थे, छोटे किसान, भूमि, नौकर आदि थे, जिनकी कुल आबादी 97.5% थी। राजा जब सलाह के लिए 3 स्टेटों को बुलाते थे तो हर एक स्टेट का अपना मताधिकार था। इसमें पहले 2 स्टेट को स्वीकार्य होता था, वही पारित हो सकता था, जबकि 97% आबादी को प्रतिनिधित्व करता था। वह पहले 2 स्टेट के बिना किसी प्रस्ताव को प्रस्तावित नहीं कर सकता था। इसका सीधा मतलब पहले 2 स्टेट को ही निर्णय का अधिकार था। फ्रांस की जनता सदी के अंत में निरंकुश राजाओं, सामंत से त्रस्त थी। इस वजह से फ्रांस का मध्य वर्ग फ्रांस से सामंत शाही खत्म कर ऐसे राज के व्यवस्था चाहता था जो फ्रांस के व्यापार और उद्योग को उनके हितों में कानून बनाए। वे लोग लॉक, रूसो, दिदेरो जैसे विचारधारा से प्रभावित थे, जो लोकतांत्रिक विचारधारों से प्रभावित थे। इसी बीच अमेरिका में भी क्रांति हुई, जिसमें फ्रांस के सैनिकों ने भी भाग लिया और यह विचार फ्रांस से अमेरिकी क्रांतिकारियों के बीच फैला। सन 1774 में जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा, तब उसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इससे निपटने के लिए सारे उपाय असफल रहे। लुई 16 ने 5 मई 1786 में नए करों के प्रस्ताव के लिए 3 सभा को बुलाया, जिसमें से पहले व दूसरे में 300 प्रतिनिधि व तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि जो समृद्ध वर्ग के थे। 40,000 शिकायत पत्रों में इस वर्ग के लोगों ने अपनी समस्या को प्रतिनिधि के साथ भेजी गई। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक स्टेट को केवल मत देने का अधिकार होगा, जिसे रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। इस मत को अस्वीकार कर दिया गया, जिसका विरोध सभा से बाहर जाकर तीसरे स्टेटों ने दिखाया। तीसरे स्टेटों के प्रतिनिधियों ने अपने को फ्रांसीसी राष्ट्र प्रवक्ता मानते थे और उसने अपने को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया। 20 जून सन 1789 में वर्साय सिटी के इंडोर टेनिस कोर्ट में लोगों ने शपथ ली और राजा की शक्ति को कम करने के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण में जुट गए, जिसका बाकी वर्गों द्वारा भारी विरोध हुआ। गांव में किसानों ने सामंतों के खिलाफ बगावत कर दी। शहरों में खाने पीने की चीज़ों को लोगों के पहुंच से बाहर कर दिया गया। सारे फ्रांस में अराजकता के फैले भय का माहौल खड़ा कर दिया। कुलीन जमींदार जमींदारी छोड़ भाग कर पड़ोसी देशों में शरण ले लिया। किसानों के विद्रोह की गति को देखते हुए 4 से 11 अगस्त 1789 संविधान असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को जड़ से खत्म कर देने का आदेश दिया। इसमें सामंती अधिकार तथा चर्च द्वारा लिए गए कर को बिना मुआवजे के खत्म किया गया और कुछ महीने बाद चर्च की जमीनों को सरकार के हक से लेकर नीलाम कर दिया। इसी के साथ नए संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पहला कदम था। 26 अगस्त 1789 को असेंबली ने पुरुष महिला के अधिकार की घोषणा की और इस घोषणा के फलस्वरूप महिलाओं को मत अधिकार नहीं दिया गया।
उन्हें पुरुष और नागरिक अधिकारों के दायरे से बाहर रखा गया। सन 1791 के शुरुआत में इसका विरोध प्रारंभ हो गया। उन्होंने महिलाओं नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र जारी किया, जिसे असेंबली में अस्वीकार कर दिया गया। अंततः 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं को मताधिकार मिल गए।